सुपरस्टार्स सुपर लाइव्स में आज होगा गोलमाल और दमदार परफॉर्मेंसेस का धमाल और सब बोलेंगे ऑल द बेस्ट, क्योंकि अपने आज के सुपरस्टार के बारे में दुनिया का कहना है कि जिसमें है दम वो है फक्त अजय देवगन। Yes, आज हम देखने वाले हैं मिस्टर सिंघम अजय देवगन की सुपर लाइफ के कुछ ऐसे अनदेखे पहलू जिनको देखकर आप भी सोचेंगे कि इस सुपरस्टार की सुपर लाइफ में तो किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कहीं ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। From a blockbuster debut to the roaring success of Singham at the box office, this dusky dude has come a long way. Aaj Bollywood mein movies hit karane ki zabardast recipe hai. Mix Ajay Devgan with lots of masala. Aur bas aapki spicy, juicy, sure shot hit blockbuster hai ready to serve. आज ये यकीन करना मुश्किल होगा कि अजय देवगन जिनके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, वो कभी ऐसे थे कि उनकी बॉडी पर कपड़े नहीं थे, पैरों में शूज नहीं थे और तो और बैंक बैलेंस भी नहीं था। ये तारीख थी 2 अप्रैल 1969 जब अज्जू भाई का जन्म हुआ था। जन्म के टाइम तो हम सबकी यही हालत रहती है, लेकिन अजय के साथ थी उनकी डेस्टिनी जिसने पहले ही उनकी हाथों की लकीरों पर लिख दिया था सुपरस्टारडम और सुपरस्टार सुपर लाइव्स का ये एपिसोड। और इसकी शुरुआत हुई 1991 में when 22-year-old Ajay made a debut riding on 2 motorbikes in Phool Aur Kaante, action-packed romance ke saath. Ye movie apne jhankar beats wale music ki wajah se ho gayi super-duper hit. अजय देवगन जिनका असली नाम विशाल वीरू देवगन है, इन्हें फिल्म्स में बहुत पहले से ही काम करने का शौक था, as he had already worked as an assistant director and a technician in the initial phase of his career. बहुत कम लोग शायद जानते हैं कि वो खुद एक टेक्नीशियन है, एक असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं और उन्होंने शेखर कपूर जी को असिस्ट भी किया है। फूल और कांटे के साथ ही अजय बन चुके थे एक सुपरस्टार जिसकी यूएसपी थी उसकी पैशनेट आंखें और पावरफुल किक्स। Continuing with the trend of doing action films, Ajay Devgan ki next release, Jigar bhi ek action film rahi, written by his father Veeru Devgan. It starred Karishma Kapoor opposite him. At the time, the on-screen chemistry shared by the lead pair fueled rumors of an off-screen affair between the two. 1993 में अजय की बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई, फ्रॉम दिल है बेताब टू संग्राम, शक्तिमान एंड धनवान, ऑल एक्शन फ्लिक्स विद अजय प्लेइंग वेरी सिमिलर रोल्स, बट नॉन मैनेजिंग टू क्लिक एट द बॉक्स ऑफिस। पर जब उनकी फिल्म प्लेटफॉर्म रिलीज हुई तब लोगों को एक नई हिट जोड़ी देखने को मिली, दैट ऑफ अजय देवगन एंड रवीना टंडन। द नेक्स्ट ईयर सॉ अ मोर कॉन्फिडेंट अजय देवगन ऑन स्क्रीन। इस साल की उनकी रिलीजेस भी बेहतर थी, फ्रॉम दिलवाले टू फिल्म्स लाइक विजयपथ एंड सुहाग। दिलवाले वो फिल्म है जहां पहली बार अजय देवगन को एक सेंसिटिव और इमोशनल किरदार में देखा गया और इसी मूवी के दौरान उनका नाम को स्टार रवीना टंडन के साथ भी लिंक किया जाने लगा। Ajay's portrayal of a romantic guy in this film and his intense roles in his next few films were indications that there was more to this actor than met the eye. Jahan Vijaypath mein Ajay dikhe playing a serious character who has been defeated by life's complexities, wahin Suhaag mein wo phir se ek action hero ke roop mein dikhe. But it was with Ajay's first release of 1995, Najayaz, that he was finally acknowledged as not just an action hero. He was now also being called a great actor and performer. उनकी अगली मूवीज हलचल और गुंडा राज बॉक्स ऑफिस पर तो कोई कमाल नहीं कर पाई, मगर इन मूवीज को करते हुए उनकी दोस्ती हो गई अपनी को स्टार काजोल के साथ, जो आने वाले टाइम में उनकी लाइफ पार्टनर बनने वाली थी। 4 साल की कोर्टशिप के बाद उन्होंने 1999 में शादी कर ली, मगर वो बातें बाद में। फिलहाल बात करते हैं काजोल के साथ अजय की पहली हिट मूवी की। 1997 में रिलीज हुई उनकी फिल्म इश्क, विच वॉज अ मल्टी स्टारर अलॉन्ग विद आमिर खान, जूही चावला एंड काजोल। इस फिल्म में उनकी और एक खूबी सामने आई, ही सरप्राइज्ड एवरीवन बाय कमिंग आउट ऑफ हिज सीरियस अवतार एंड शोइंग हिज फनी साइड ऑन स्क्रीन फॉर द फर्स्ट टाइम। द ऑडियंस एंड द क्रिटिक्स वर इमेंसली इंप्रेस्ड बाय हिज कॉमिक टाइमिंग। काजोल अजय की ये जोड़ी फिर से देखने को मिली एक रोम कॉम में। फिल्म का नाम था प्यार तो होना ही था, एंड दिस फिल्म वॉज लूजली बेस्ड ऑन द ब्लॉकबस्टर हॉलीवुड फ्लिक फ्रेंच किस।
फिल्म में उनके साथ एक बार फिर से काम कर रही थी काजोल। एंड वाइल ही वाज स्टिल सेवरिंग द सक्सेस ऑफ प्यार तो होना ही था, अजय देवगन क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म जख्म रिलीज्ड। नाजायज के बाद ये फिल्म महेश भट्ट के साथ अजय की दूसरी फिल्म थी। The actor's performance left everyone speechless. इस फिल्म में बेहतरीन अदाकारी के लिए अजय देवगन को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड के साथ साथ नेशनल अवार्ड भी मिला। उनकी 1999 की रिलीजेस इतनी खास नहीं रही, पर दिल क्या करे में एस्ट्रेंज्ड हस्बैंड का किरदार निभाने से लेकर कच्चे धागे में सौतेले भाई का रोल प्ले करना, अजय देवगन वॉज बींग सीन इन वेरिड कैरेक्टर्स। But the film that completely turned the tide for him was Sanjay Leela Bhansali's film Hum Dil De Chuke Sanam alongside Salman Khan and Aishwarya Rai. ये तीन फिल्में मैं कहूँगा जो उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक हम दिल दे चुके सनम, प्यार तो हो नहीं था, एंड जख्म, जिनके लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला। ऐसा कुछ उन्होंने सोचा नहीं था कि इमेज चेंज करना है या इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं थी, फिल्में उस तरह की बनने लगी। जब फिल्म रिलीज होने जा रही थी तो लोगों का कहना था दैट अजय वाज प्लेइंग सेकंड फिडल टू सलमान खान, बट आफ्टर द रिलीज ऑफ द फिल्म इट वाज ऑब्वियस दैट अजय'स अंडरस्टेटेड इंटेंस पोर्ट्रेयल ऑफ ऐश्वर्या'स हस्बैंड वनराज स्टोल द शो। अजय देवगन को उनके कैरेक्टर पोर्ट्रेयल के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया, और क्रिटिक्स का मानना था कि अजय के सिवाय इस किरदार को इतनी खूबसूरती से और कोई नहीं कर पाता। अजय का जादू चल गया था। इस फिल्म की रिलीज के बाद उसी साल 1999 में रिलीज हुई वीरू देवगन डायरेक्टेड उनकी होम प्रोडक्शन हिंदुस्तान की कसम, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। अजय देवगन के सक्सेस रेट को देख सभी के एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए थे, एंड दे बिलीव्ड कि अब अजय जिस किसी वेंचर में हाथ डालेंगे वो प्रोजेक्ट अच्छी और सेंसिबल रहेगी। ऐसे में हिंदुस्तान की कसम वॉज अ मेजर डिसअपॉइंटमेंट। यही साल था 1999 जब अजय देवगन और काजोल डिसाइडेड टू टाई द नॉट। 23rd February marks a significant date in Ajay's calendar as he wed Bollywood's most talented actress. Unki shaadi ek private affair thi, jahan industry ke kisi bhi guest ko invite nahi kiya gaya. It was strictly a family affair, very true to the reclusive image that both Kajol and Ajay share. अगला साल भी अजय देवगन के लिए काफी स्पेशल साबित हुआ, as his dream to have his own production house took shape in the form of Raju Chacha. इस फिल्म को अजय देवगन ने बहुत चाह से बनाई और इसे उन्होंने खुद प्रोड्यूस भी किया, and it starred his wife Kajol and himself in the lead. साथ ही इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे उनके भाई अनिल देवगन। Raju Chacha failed miserably at the box office and with it shattered Ajay's dreams of being a successful producer. हमने एक फिल्म बनाई थी जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी, Raju Chacha, और उस जमाने में हमें करीबन 9 करोड़ का लॉस हुआ था उस फिल्म में। द फिल्म हैड नॉट वर्क्ड एंड आर कंपनी वाज इन अ वेरी बिग लॉस, और कई लोगों ने उन्हें ये सलाह दी कि आपकी ये सॉफ्टवेयर कंपनी आप बैंक्रप्ट डिक्लेयर कर दीजिए तो आपके लोगों को पैसे लौटाने नहीं पड़ेंगे। बट ही सॉ टू इट एंड ही रिजेक्टेड दैट आइडिया, और उन्होंने वो पूरे 9 करोड़ रुपये चुकाए। फर्स्ट इट वॉज वीरू देवगन हिंदुस्तान की कसम एंड नाउ दिस। अजय रिसीव्ड अ लॉट ऑफ मीडिया फ्लैग फॉर दिस प्रोडक्शन वेंचर, पर अजय देवगन द एक्टर ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने में कॉन्फिडेंस बरकरार रखा एंड ही डिड व्हाट ही वाज बेस्ट एट, व्हिच वाज एक्ट। 2001 चाहे उनके लिए बहुत ही ठंडा फेज रहा हो, द नेक्स्ट ईयर सॉ अजय बाउंस बैक। द सन वाज शाइनिंग ब्राइट ऑन द स्टार एंड एवरीवन फॉरगॉट हिज प्रोडक्शन डेबाकल। अजय जो अब चल पड़े थे एज एन एक्टर खुद को रिवैम्प करने एक नए अंदाज में। Having won the national award for Zakhm at the beginning of his career, Ajay Devgan had already established himself as an actor to be watched out for. Par jab wo producer bane, to unko zyada kamyabi nahi mili. Saal 2000 mein Ajay ki pehli production Raju Chacha release hui. He was highly criticized for this film. इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस फेलियर की वजह से अजय देवगन को काफी नुकसान भी हुआ। अपेरेंटली ही इनकर्ड अ लॉस ऑफ अराउंड 9 करोड़ रुपीस। पर उन्होंने हार नहीं मानी। फ्रॉम देन ऑन फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स ही कॉन्सेंट्रेटेड ऑन हिज एक्टिंग करियर टिल ही रिकवर्ड हिज लॉसेस। और शायद इसीलिए 2001 में
हमने अजय देवगन को कुछ ऐसी फिल्में करते हुए देखा जिसके साथ उन्हें इजीली रिलेट नहीं किया जा सकता। हिज फर्स्ट रिलीज वॉज ये रास्ते हैं प्यार के, विच फेड पुअरली एट द बॉक्स ऑफिस। उनकी दूसरी फिल्म थी राजकुमार संतोषी की लज्जा, जहां उन्होंने एक छोटे से रोल में कमाल की अदाकारी का प्रदर्शन किया and eventually was even nominated for the Filmfare Best Supporting Actor Award. And with this film, Ajay Devgan is said to have built a very good rapport with the director. Well, baat karein saal 2002 ki, to Ajay Devgan ke poore film career mein isse behtar aur rocking year aur koi nahi bataya ja sakta. Industry mein khans ke against, tab agar koi zabardast competition mein khada tha, to wo the Ajay Devgan. Simply because the films that released this year put Ajay in a league of his own. सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अजय की एज एन एक्टर है कि उनको समझ है ऑब्वियसली एक्टिंग के बारे में और कैरेक्टराइजेशन के बारे में, और कभी भी वो ओवरबोर्ड नहीं जाते हैं, बहुत ही सटल प्ले करते हैं और कॉमन मैन अपने आप को उनमें देखता है, वो पेन से रिलेट करता है या वो एक्शन से रिलेट करता है बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस। 2002 में आई सुपरहिट फिल्म कंपनी में उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर बेस कैरेक्टर निभाया। देवगन्स पोर्ट्रेल ऑफ मलिक वाज अंडरस्टेटेड एंड कंट्रोल्ड। देखा जाए तो कंपनी में डेब्यूटेंट विवेक ओबेरॉय का किरदार चंदू भी काफी स्ट्रॉन्ग और हार्ड हिटिंग था, बट नॉट मेनी कैन ओवरशैडो द इंटेंसिटी ऑफ अजय देवगन्स एक्टिंग। और उसके बाद अजय ने राजकुमार संतोषी की द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में शहीद भगत सिंह का टाइटल रोल प्ले किया। इनकी इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए उनको दूसरी बार नेशनल अवार्ड मिला, साथ ही इन्होंने फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी जीता। आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर अराउंड नाउ विद अस, हु कैन जस्ट मर्ज एंड इंटरप्रेट एनी कैरेक्टर वेरी वेरी इजीली। एक तरफ जहां अजय देवगन वॉज बीइंग काउंटेड अमंगस्ट द टॉप 10 हीरोज इन द फिल्म इंडस्ट्री, वहीं उसी साल में रिलीज हुई उनकी तीसरी फिल्म दीवानगी ने उन्हें बेस्ट विलन अवार्ड का खिताब दिलाया। दीवानगी सॉ अजय देवगन प्ले अ कैरेक्टर विद अ मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। उनके साथ एक्ट कर रहे थे उर्मिला मातोंडकर एंड अक्षय खन्ना। द फिल्म डायरेक्टेड बाय अनीस बाज़मी वॉज एन इंस्टेंट हिट, और 2003 में ऑडियंसिस को अजय की और भी बेहतरीन परफॉर्मेंसेज देखने को मिली। Among them, as Vishal, a stock analyst and a concerned husband, in Ram Gopal Verma's Bhoot, paired opposite Urmila Matondkar, who impressed all with her powerful performance, Ajay clearly held his own. इस साल इनकी कई और फिल्म्स रिलीज हुई, जैसे कयामत, चोरी चोरी, जमीन और जेपी दत्ता की एलओसी कारगिल। पर इन सब रिलीजेज में प्रकाश झा गंगा जल टर्न्ड आउट टू बी द मोस्ट हार्ड हिटिंग। और ऐसे में 2004 में रिलीज हुई खाकी, अ फिल्म विद एन ऑनसेंबल कास्ट ऑफ अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अक्षय कुमार एंड अजय देवगन। When it released, the film was lauded for its tight screenplay and commendable performances. Among them, Ajay's character standing out for the twist that it brought to the plot. Phir release hui unki slapstick comedy, Masti. The film was a big hit, and just around the corner was yet another classic Ajay Devgan performance waiting to floor his fans. Ye film thi Mani Ratnam ki Yuva, jisme Ajay play kar rahe the student political leader ka kirdaar, माइकल। और फिर 2006 में रिलीज हुई उनकी दो बहुत ही हटके फिल्म्स। पहली रिलीज थी रोहित शेट्टी की गोलमाल। ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर लाफ राइट थी, जिसमें उनके साथ काम कर रहे थे अरशद वारसी, तुषार कपूर और शर्मन जोशी। एंड इट वॉज विद दिस फिल्म दैट अजय फाइनली एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज एन एक्टर हु कैन रूल द रूस्ट इक्वली विद हिज इंटेंस परफॉर्मेंसेस एंड हिज इंपेकेबल कॉमिक टाइमिंग। नहीं, अजय देवगन ऐसा लगता है सीरियस, बिल्कुल सीरियस नहीं है। वो सबसे बड़ा प्रैंकस्टर है, वो ऐसे प्रैंक्स खेलता है कि पता ही नहीं चलता लोगों को, क्योंकि उसका चेहरा ऐसा है कि वो प्रैंक भी खेलेगा तो पता नहीं लगेगा ये सीरियस है कि जोक कर रहा है। लोग अजय के दमदार परफॉर्मेंस के असर से बाहर भी निकल नहीं पाए थे कि उनकी एक और बेहतरीन फिल्म रिलीज हुई, ओमकारा। इस विशाल भारद्वाज डायरेक्टेड फिल्म ने न सिर्फ हिंदी सिनेमा का रुख बदल दिया वे स्क्रिप्ट एंड परफॉर्मेंस इज कंसर्न्ड, पर साथ ही एहसास दिलाया कि लिटरी अडेप्टेशन के सही मायने क्या है। शेक्सपियर की मोस्ट पॉपुलर वर्क ओथेलो पर आधारित ये फिल्म अजय के करियर की लैंडमार्क फिल्म बताई जाएगी। जितना सक्सेसफुल साल 2006 अजय देवगन के करियर में रहा, उतना ही डिसअपॉइंटिंग साल 2007 साबित हुआ। इस साल अजय नजर आए इन द फिल्म्स लाइक कैश एंड राम गोपाल वर्मा की आग, और ये मूवीज क्रिटिक्स से लेकर पब्लिक तक ने नकार दी।
और इसके बाद शुरू हो गया अजय की लाइफ में एक अनसक्सेसफुल दौर, चाहे वो राजकुमार संतोषी के साथ हल्ला बोल हो या फिर अनीस बाजमी की कॉमेडी संडे। ये फिल्में अजय की पिछली हिट्स के मुकाबले कुछ भी नहीं थी, और ऐसे में अजय देवगन ने जंप किया डायरेक्शन में। अजय की सेंसिबिलिटी सबको पता थी, इसलिए एंटायर बॉलीवुड वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू अजय फिल्म यू मी और हम, स्पेशली बिकॉज इस मूवी में वो नजर आने वाले थे अपनी रियल लाइफ वाइफ काजोल के साथ पूरे 8 सालों के बाद। सैडली ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर कोई मैजिक नहीं क्रिएट कर पाई। इतनी फ्लॉप्स देने के बाद भी अजय ने हिम्मत नहीं हारी एंड ही इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट बैंकेबल सुपरस्टार्स इन बॉलीवुड। उन्होंने अपनी तमाम मूवीज फ्लॉप होने के बाद भी स्माइल करना नहीं छोड़ा था, और ऐसे ही स्माइल करते हुए व्हेन ही रिटर्न्ड विद गोलमाल रिटर्न्स, even the box office smiled with him. Golmaal Returns was made on a much bigger scale with greater oomph and hype. इस बार फिल्म में शामिल थे न्यू एक्टर्स, जिनमें से करीना कपूर भी ऐड कर रही थी अपना ग्लैमर कोशंट। ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट रही। The film is doing extraordinary. The business is amazing. The response is extraordinary. So well, where 2008 ended on a laughing note for Ajay Devgan, the fun continued in 2009 too. क्योंकि दिवाली में रिलीज हुई अजय की न्यू प्रोडक्शन देवगन फिल्म्स, देवगन विदाउट द अल्फाबेट ए दिस टाइम, एंड द फिल्म वाज ऑल द बेस्ट, अ स्लैपस्टिक कॉमेडी डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी एंड स्टारिंग फरदीन खान, संजय दत्त एंड बिपाशा बासु। इट पैक्ड इन ऑल द मसाला कमर्शियल एलिमेंट्स दैट वर लैकिंग इन अजय'स फर्स्ट टू प्रोडक्शंस। और अपने सरनेम में से एक ए ड्रॉप करते ही अजय की मूवीज का कलेक्शन भी हो गया टोटली ए क्लास। और फिर तो अजय ने निभाना शुरू किया बॉक्स ऑफिस पर अपने सक्सेस का प्रॉमिस, बार बार लगातार मूवी में अजय देवगन का होना ही मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए काफी था। 2010 में अजय ने एक्सप्लोर किया कई जॉनर्स। सबसे पहले अपनी पीरियड मूवी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में अजय ने अपनी सुपर एक्सप्रेसिव आंखों से कई बातें बिना बोले ही बोल दी, एंड हिज कैरेक्टर गैंगस्टर सुल्तान मिर्जा बिकेम वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल कैरेक्टर्स ऑफ आवर टाइम इन बॉलीवुड। इस पैशनेट कैरेक्टर को निभाने के बाद वो लौटे कॉमेडी की ओर, और वहाँ भी उन्होंने एक्सप्लोर किए कॉमेडी की वेरियस शेड्स। फिर चाहे गोलमाल 3 जैसे स्लैपस्टिक कॉमेडी हो या अतिथि तुम कब जाओगे जैसी हार्ट वार्मिंग कॉमेडी, अजय ने दिखा दिया कि वो हर तरह की मूवीज में अपनी ऑडियंस का दिल जीतने के लिए तैयार है। कॉमेडी और ड्रामा मूवीज करते करते अजय के अंदर का एक्शन स्टार जरा बोर होने लगा, तो उन्होंने अपने बड़ी रोहित शेट्टी के साथ प्लान की एक साउथ इंडियन एक्शन एक्स्ट्रावागेंजा, सिंघम। इस मूवी के लिए अजय ने बनाए बल्जिंग मसल्स, और जब उनका फर्स्ट लुक हुआ रिलीज तो फिटम फिट दबंग खान सल्लू ने भी अजय की बॉडी की तारीफ की, और सिंघम के रिलीज होते ही बाजीराव सिंघम अपने गांव का ही नहीं बॉक्स ऑफिस का भी सबसे फेवरेट पुलिस अफसर बन गया। अजय एक बार फिर कर रहे हैं अपने रोल्स के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट्स, और उनकी आने वाली मूवीज में भी हमको देखने को मिलने वाले हैं कई जॉनर्स, जैसे तेज विल बी एन एक्शन थ्रिलर, वाइल अपनी मोस्ट अवेटेड मूवी रास्कल्स में वो नजर आएंगे मुन्ना भाई संजू बाबा के साथ कॉमेडी करते हुए। विथ मेनी ग्रेट प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन, अजय की सुपर लाइफ और भी कई इम्प्रेसिव मुकामों से गुजर कर उनको स्टारडम की एक नई ऊंचाई तक ले जाए। अजय देवगन के लिए यही है हमारी बेस्ट विशेस। सुपरस्टार्स सुपर लाइफ्स के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक टाटा बाय बाय, कीप वॉचिंग जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल।